हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। स्टार्ट करते हैं। ये जो मामला है भारत के सुप्रीम कोर्ट में 1992 में सुना गया, ठीक है। तो ये मामला कब का है? 1992 का। इसके मुख्य संदर्भ मंडल आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। तो मंडल आयोग की सिफारिश पर आधारित है ये जो केस है। मंडल आयोग की स्थापना 1979 में की गई थी। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि देखो, मंडल आयोग की स्थापना तो की गई है 1979 में, और इंदिरा साहनी केस आता है 1992 में। मंडल आयोग की स्थापना 1979 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके लिए आरक्षण की सिफारिशें देना था। तो ये जो मंडल आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 79 में की गई थी, और उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं लोग और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं लोग, उनकी पहचान की जाए और उनको आरक्षण दिया जाए। तो आयोग ने 1980 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, किसने, और जिसमें यह सिफारिश की गई कि ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। तो ये जो आयोग है, जो कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा मतलब बनाया गया, प्रस्तुत करते हैं रिपोर्ट बीपी मंडल, उन्होंने क्या करा कि ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण की मांग करी। फिर इस सिफारिश को लागू करने के लिए 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने केंद्र सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा करी। तब 1990 आता है और प्रधानमंत्री वीपी सिंह सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर देते हैं। यह है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल। इस निर्णय ने व्यापक विरोध और विवाद उत्पन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई याचिकाएं दायर की गई, कई पीआईएल दायर की गई। इस निर्णय ने व्यापक विरोध और विवाद उत्पन्न कर दिया, जो इस आरक्षण की कानूनी वैधता को चुनौती देती थी। अब क्या होता है, इस निर्णय ने मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई। ये जो निर्णय है, मंडल आयोग की सिफारिशों पर लागू किया गया था। आरक्षण की नीति की दिशा और सीमा को स्पष्ट किया और यह सुनिश्चित किया कि आरक्षण केवल वास्तविक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए हो। उन्होंने बोला कि जो इसमें जो भी दिया जा रहा है आरक्षण, किसको मिलना चाहिए? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं। और यहाँ पर देखा आपने, वीपी सिंह ने 27% आरक्षण की घोषणा कर दी थी सन 1990 में। इसके मुख्य मुद्दे क्या थे? आरक्षण की सीमा, संवैधानिक वैधता और क्रिमिलेयर की छूट। आरक्षण की सीमा क्या थी? क्या कुल आरक्षण, जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और ओबीसी शामिल है, 50% से अधिक हो सकता है? इसमें पूछा गया मुख्य मुद्दे में, क्या जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या ओबीसी में जो शामिल है, 50% से अधिक हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके अंदर। सेकंड है संवैधानिक वैधता, क्या मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी के लिए लागू किया गया आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुरूप है? ये सेकंड क्वेश्चन उठा कि क्या मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी के लिए लागू किया गया जो आरक्षण है संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुरूप है? थर्ड क्वेश्चन पूछा गया क्रिमिलेयर की छूट, क्या क्रिमिलेयर को आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए? आज आपने देखा कि क्रिमिलेयर की एक सीमा होती है कि कितना इनकम कमा रहे हैं वह एनुअली, तो उसके आधार पर क्रिमिलेयर तय किया जाता है, वो अपने आप देख सकते हैं आप। ओबीसी श्रेणी में अधिक संपन्न और बेहतर शिक्षित व्यक्ति को क्रिमिलेयर कहते हैं, यानी जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, पिछड़े भी जाति में तो आ रहा है पर पैसा अच्छा कमा रहा है, तो क्रिमिलेयर की
क्रिमिलेयर की छूट दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि क्रिमिलेयर को भी आरक्षण में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये तीन मुद्दे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जो फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का 1992 में, क्या होता है आरक्षण की सीमा, कोर्ट ने निर्णय दिया कि कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 50% से अधिक होना चाहिए या नहीं, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ बता दिया कि 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसे 50% से अधिक बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। और विशेष परिस्थितियों में क्या है, 50% से अधिक बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। कभी कोई परिस्थिति आती हो विशेष, तब इसको 50% से अधिक बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी आवश्यक है। पर उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी होनी चाहिए तभी बढ़ाया जा सकता है विशेष परिस्थिति के अंदर 50% से अधिक आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था संवैधानिक वैधता होनी चाहिए अनुच्छेद की, तो कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत ओबीसी के लिए आरक्षण संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और उसे लागू किया जा सकता है। तो जो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 15(4) या 16(4) के अंदर है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, बताया कि जो ओबीसी के लिए आरक्षण है वो 15(4) और 16(4) के अंदर है, मूल संरचना का हिस्सा है, तो इसे लागू किया जा सकता है। फिर यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन कि क्रिमिलेयर को छूट दी जानी चाहिए, यानी कि जो ओबीसी श्रेणी में अधिक संपन्न और बेहतर शिक्षित व्यक्ति है, यानी कि जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, उनको भी छूट दी जानी चाहिए आरक्षण में या नहीं दी जानी चाहिए। तो इसका क्या फैसला आता है, कोर्ट ने निर्देशित किया कि क्रिमिलेयर को आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए, यानी कि जो क्रिमिलेयर है, यानी कि अच्छा खासा पैसा कमाता है, एक उसकी लिमिट बता रखी है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं गूगल पे, तो क्या वो क्रिमिलेयर को आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए नहीं। तो उनमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि क्रिमिलेयर को आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए, ताकि केवल जरूरतमंद और वास्तव में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो क्रिमिलेयर को बाहर किया गया, क्यों किया गया, कि जो एक्चुअल के अंदर, जो रियलिटी के अंदर जरूरत है जिन लोगों को आरक्षण की, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको लाभ मिल सके, इसलिए क्रिमिलेयर को बाहर किया गया। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, और अगर आप किसी भी क्लासेस के या किसी भी जैसे लॉ के, बीएड के या एकेडमिक के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप www.johnacademy.com पे जा सकते हैं, और एडमिशन्स के लिए भी, यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में, चाहे वो लॉ का एडमिशन हो, चाहे वो बीएड के एडमिशन हो, चाहे कोई और एडमिशन हो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।